आज की इस वीडियो में है आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये है कि जो SOL DU के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स होने वाले थे दिसंबर के सेमेस्टर एग्जाम्स, वो एग्जाम अब आपके नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अब आपके एग्जाम कब होंगे और क्या पूरी न्यूज है। आइए देखते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, आंसर कैसे लिखना है, क्या कोई भी अगर आप इश्यू फेस कर रहे हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 10 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला है, वो उसमें ये बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिशंस एंड स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इट इज हेयर बाई नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल UG एंड PG कोर्सेज ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी कि जो UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट के MA वगैरह के जो भी एग्जाम्स होने वाले थे 12 तारीख से, वो अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब आपके जो एग्जाम्स हैं वो होंगे मार्च 2021 में, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम्स मार्च 2021 में होने वाले हैं, अभी आपके एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम आपके हो चुके हैं पोस्टपोन्ड। तो अगर आप अपनी तैयारियों में लगे हुए थे तो अब आप एक राहत की सांस ले सकते हैं कि अब आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, अब आराम से मार्च में होंगे, ठीक है, और आपका सेमेस्टर आपका आगे बढ़ जाएगा। और मतलब आप मतलब सेमेस्टर एग्जाम जो है आपका वो मार्च में अब होगा। और जो भी बाकी खबर है आपको मिलती रहेगी अपने टीचर्स अपने प्रोफेसर से भी, बाकी जो इस नोटिफिकेशन में था मैंने वो आपको बता दिया है। आपका कोई भी और डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।